सुप्रभात बच्चों, मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ व्याकरण की ही कक्षा लेकर। पिछली कक्षा में मैंने आप सबों को बताया था विशेषण के बारे में, विशेषण क्या होता है, विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है, कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया। मैं फिर से एक बार बता दूँ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, एक कर्म के आधार पर, एक रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर पांच भागों में बांटा गया है। पिछली कक्षा में अगर आपको बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे पिछले एक क्लासेस के वीडियो को जो अपलोड हुआ है उसको फिर से देखें और फिर से पूरा डिफिनेशन के साथ फिर से उसको समझने का प्रयास करें। आज मैं, जैसा कि आप सबको बताया था कि मैं समास पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से समास पढ़ने से पहले आप लोगों को काल कारक और वचन पढ़ना नितांत आवश्यक है। काल कारक और वचन, ये तीनों भी व्याकरण की बहुत बड़ी कड़ी है, तो मैं आज आपके समक्ष काल चैप्टर लेकर आया हूँ, काल के बारे में बताऊँगा। काल का शाब्दिक अर्थ होता है दुश्मन। थोड़ा सा अजीब भी लगेगा आपको सुन करके, लेकिन व्याकरणीय दृष्टिकोण से काल का मतलब समय भी होता है, दोनों मतलब होता है। और व्याकरण में काल के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब समय के बारे में पढ़ाएंगे। काल किसे कहते हैं? काल का मतलब होता है क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया किस समय में संपादित हो रही है। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि क्रिया किस समय में संपादित हो रही है, मतलब क्रिया अभी समाप्त हो गई है या क्रिया अभी हो रहा है या क्रिया आने वाले समय में संपादित होने वाला है, यह जिस क्रिया के रूप से पता चले वह काल कहलाता है। और अध्ययन की सुविधा से काल को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल के उच्चारण में अमूमन विद्यार्थियों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो भविष्य उच्चारण नहीं कर करके भविष्य काल का उच्चारण करता है, जो सर्वथा गलत है। भविष्य काल होता है तो हलंत, वहाँ स्वर की मात्रा नहीं है, तो एक व्यंजन वर्ण है, लेकिन वहां तो में अ का उच्चारण नहीं होना ना, भविष्य, भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल का मतलब हुआ वैसी क्रिया करो जिससे हमें यह पता चले कि काम पिछले समय में संपादित हो चुका है, वैसे काल को भूतकाल कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि काम वर्तमान समय में हो रहा है तो वह क्रिया का काल का वर्तमान काल कहलाता है। वह कौन सा काल कहलाता है? वर्तमान काल। और जिस क्रिया के रूप से हमें यह पता चले कि काल आने वाले समय में कार्य संपादित होने वाला है, आने वाले समय में कार्य होगा, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल का मतलब हुआ कि काम समाप्त हो चुका है, वर्तमान काल का मतलब हुआ कि काम अभी हो रहा है, और भविष्य काल का मतलब हुआ कि काम आने वाले समय में संपादित होगा। यही काल के तीन मुख्य रूप हैं। अब सभी को अपने अपने हिसाब से, अध्ययन के हिसाब से सबको वर्गीकृत भी किया गया है। अध्ययन के हिसाब से भूतकाल को छह भागों में बांटा गया है। भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया है? छह भागों में। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मन भूतकाल। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मन भूतकाल। अब हम आते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का मतलब यह होता है कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि काम बीते हुए समय में सामान्य रूप से संपादित हो चुका है। जैसे माँ ने खाना बनाया, लड़का सो गया, मतलब अभी अभी क्रिया समाप्त हो चुकी है, लड़का सो गया, ये कहलाता है सामान्य भूतकाल, मतलब सामान्य रूप से क्रिया बीते हुए समय में संपादित हो गई है। आसन्न भूतकाल, आसन्न का मतलब काफी निकट होता है, तो आसन्न भूतकाल का मतलब हुआ कि वैसी क्रिया का समय, वैसी क्रियाएं जिससे हमें यह पता चले कि काम अभी तुरंत संपादित हुआ है। जैसे माताजी फल लाए, फल अभी तुरंत लाए, अभी अभी तुरंत संपादित हो गया है, तुरंत संपादित होने वाली क्रिया समाप्त हो गई है
तभी वह भूतकाल की क्रिया होगी, लेकिन तुरंत जो क्रिया संपादित हुई है वह आसन्न भूतकाल की क्रिया होगी। दूसरा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है, अपूर्ण का मतलब ही होता है कि काम पूरा नहीं हुआ है, मतलब पिछले समय में क्रिया चक्र आरंभ हो गई थी लेकिन उस पे पूर्ण नहीं हुआ था। जैसे वह पढ़ रहा था, वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह आ रहा था, मतलब ये जो सभी क्रियाएं हैं इससे यह वाक्यों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्रियाएं पिछले समय में संपादित हो गई थी। ऐसी क्रियाओं का जो काल कहलाता है वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। उसके आगे है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब है कि काम पूरी तरह संपादित हो गया था, जैसे कहने का मतलब पिताजी ने मेरे लिए साइकिल खरीदी, गाड़ी आ गई, मतलब काम पूरी तरह से यह पता चले कि संपादित हो चुका है। वैसी क्रिया का जो काल होता है वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदेह, मतलब जहाँ संदेह उत्पन्न होता है कि कार्य संपादित हुआ होगा या नहीं होगा। जैसे उसने खा लिया होगा, वह पढ़ रहा होगा, मतलब यहाँ संदेह उत्पन्न हो रहा है, यानी जैसे उसने कहा था कि मैं खा लूंगा या मैं पढ़ लूंगा, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उसने खा लिया होगा, वह पढ़ रहा होगा। ये संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है। और छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल का मतलब यह होता है कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है तो वह क्रिया हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रिया कहलाती है। जैसे अगर मैंने पढ़ा नहीं होता तो मैं पास नहीं होता, मैं समय से बैंक नहीं गया होता तो पैसा नहीं निकल पाता, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आधारित है। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आधारित होती है और दोनों से बीते हुए समय का ज्ञात होता है तो वह काल हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाता है। तब मैं आता हूँ वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब यह होता है कि क्रिया वर्तमान समय में संपादित हो रही है। वैसी क्रियाएं जिसके रूप से हमें यह पता चले कि काम वर्तमान समय में अभी के समय में संचालित है, हो रहा है, उन क्रियाओं को हम वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल को तीन भागों में बांटा गया अध्ययन के हिसाब से, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान का मतलब होता है वैसी क्रियाएं जिसमें सामान्य रूप से यह पता चले कि क्रिया सामान्य रूप से अभी के समय में संपादित हो रही है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खाता है, वह जाता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, अभी जो क्रियाएं हैं वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान का मतलब होता है कि क्रिया का वैसा रूप जिससे हमें यह पता चले कि काम पूर्ण नहीं हो रहा है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वह जा रहा है, मतलब ये सारे जो काम है वो काम कंटिन्यू चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो इससे यह क्लियर नहीं हो रहा है कि काम संपादित हो चुका है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान का मतलब होता है कि संदेह है कि काम वर्तमान समय में होना था लेकिन संदेह है कि वर्तमान समय में काम हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे वह पढ़ रही होगी, वह खा रही होगी, यहाँ संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसी क्रियाओं को वर्तमान काल को तीन भागों में बांटा गया है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। अब आते हैं भविष्य काल। तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब यह होता है कि क्रिया के उस रूप से जिससे हमें यह पता चले कि काम आने वाले समय में संपादित होगा, वैसे काल को भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल का मतलब होता है कि आने वाले समय में काम संपादित होगा, वह भविष्य काल कहलाता है। और भविष्य काल को अध्ययन के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य। सामान्य भविष्य काल का मतलब हुआ कि वैसी क्रिया के रूप से जो हमें पता चले कि सामान्य रूप से आम काम आने वाले समय में होगा, संपादित होगा, वह कहलाता है सामान्य भविष्य। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं घूमूंगा, इत्यादि जो वाक्य हुए यह सामान्य भविष्य काल का हुआ। दूसरा है संभाव्य भविष्य। संभाव्य मतलब काम संभावित होने की अपेक्षा है, संभावना है,
कि काम आने वाले समय में होगा, जैसे कल वर्षा होगी। वर्षा होगी या नहीं ऐसा कुछ नहीं पता है। मैं अगर दिल्ली जाऊंगा तो कुतुब मीनार जरूर घूमूंगा। मतलब अगर दिल्ली जाऊंगा मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है कल वर्षा होगी, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन प्रकृति मेरे बस में नहीं होता, समय आदमी के बस में नहीं होता, इसलिए होगी या नहीं होगी ऐसे काल को संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। और तीसरा है हेतु हेतु मिली भूतकाल। हेतु हेतु भूतकाल का मतलब होता है कि एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर आधारित होती है तो वैसे क्रियाकाल को हम हेतु हेतु मत भविष्य काल करते हैं। जैसे यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे चुप करा देगी। यदि बच्चा रोएगा मतलब यहाँ भी संभावना है, और बच्चा रोएगा तो माँ चुप कराएगी, बच्चा नहीं रोएगा तो माँ चुप नहीं करा देगी। तो ये क्या कहलाता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आधारित है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आधारित है, ऐसे काल को हेतु हेतु मत भविष्य काल। मैं फिर से बता दूं, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया किस समय में संपादित हो रही है उसे हम काल कहते हैं। काल को तीन भागों में बांटा गया है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल का मतलब यह होता है कि क्रिया बीते हुए समय में संपादित हो गई। वर्तमान काल का मतलब यह होता है कि काम अभी वर्तमान समय में चल रहा है। और भविष्य काल का मतलब यह होता है कि काम बीते हुए समय में होने वाला है। काम क्या होने वाला है, बीते हुए समय में होने वाला है। अब है भूतकाल को अध्ययन के हिसाब से छह भागों में बांटा गया है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। वर्तमान काल को तीन भागों में बांटा गया है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। भविष्य काल को तीन भागों में बांटा गया है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मत भविष्य काल। ये काल है, और काल को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से आत्मसात करें, पूरे एकाग्रचित होकर एक क्लास का फायदा उठावें, आपका समय जाया ना हो, इसके लिए हम शिक्षक से लेकर पूरा विद्यालय प्रबंधन तक इस जुगत में लगे हुए हैं कि आप उस समय का सदुपयोग उठाइए। पूरे ध्यान के साथ आप एक क्लास का फायदा लें। हैव ए नाइस डे।